जय हिंद। आज शुरू करते हैं। जिस कलर का टॉपिक ये है, एडमिन रोल का। बेसिकली ये आपको जिस कलर को ओपन करने के बाद जो क्रेडेंशियल होता है कि आपका जो डेजिग्नेशन होता है, जैसे कि फायर रोल में होता है एडमिन, सुपर एडमिन, ठीक है, रोल बेस एडमिन, ठीक है। तो इसी यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। तो यहाँ पे होता है डैशबोर्ड में आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप आपका प्रोफाइल कैसे चेक करोगे कि आप क्या हो, कैसे हो? तो रोल एडमिन पे आप यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए और यहाँ पे आपका एडमिन का रैंक, यहाँ से 0 से 0 होता है, ठीक है। जो 0 बेसिकली होता है 1 से लेके 7 तक, यहाँ पे 0 सुपर एडमिन जो है उसका क्रेडेंशियल 0 होता है, मतलब इसके ऊपर नहीं। मगर ये अगर कोई चेंजेस करता है तो आप इसके ऊपर, अगर आपके इसके नीचे अगर सिमिलर हो, जैसे होता है क्या, जैसे पालोल्ट हो या एडमिन क्रेडेंशियल होता है, सुपर एडमिन क्रेडेंशियल जो सुपर एडमिन होता है, देखिए यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। सुपर एडमिन वहाँ पे सिर्फ आपका प्रोफाइल सेट होता है, तो यहाँ पे भी आपका प्रोफाइल सेट हो सकता है। अगर आपको 0 लगा देता है आपके एडमिन के सामने, तो आप सुपर एडमिन बन गए। इसके बाद अगर 1 2 3 आपके अगर 4 एडमिन हो, आप सोचो कि आपका रैंक है 4, यहाँ पे देखिए एडमिन 7 है, तो ऐसा डेमो ही है। तो उसमें आप क्या कर पाओगे, तो जो एक अगर सुपर एडमिन जो चेंजेस किए तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते या उसके ऊपर आप रोल बना नहीं सकते। यही कंसेप्ट है यहाँ के एडमिन सुपर एडमिन की। जैसे जैसे कोई फायरवॉल में क्या होता है, फायरवॉल में क्या होता है कि पॉलिसी आप बना सकते हो, वो एडमिन बना है सुपर एडमिन बना, अगर आपके पास एक्सेस है, आप सुपर एडमिन ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आपके पॉलिसी पर रीजन राइट एक्सेस होगा तो आप पॉलिसी बना सकते हैं। लेकिन जिस कलर में क्या है, जिस कलर में अगर सोचो किसी एडमिन ने फाइल टाइप कंट्रोल पॉलिसी यहाँ पे बना दी, यहाँ पे के देखो एडमिन नसिंग, तो ये अगर सोचो कि ये बना दिए किसी ने, एक इसके एडमिन रैंक है 1, उसने यहाँ पे एक रूल बना दिए, जैसे ब्लॉक ABCD और जो सभी ब्लॉक, तो आप कैसे भी करके अगर एडमिन आपका रैंक 2 होता है 3 होता है, 1 के बाद कुछ भी होता है, तो आप इसके ऊपर कोई भी पॉलिसी बना नहीं सकते। आप इसके नीचे कुछ भी बना सकते, ठीक है, तो लेकिन इसके ऊपर नहीं बना सकते। हाँ, अगर आपके आपका भी रैंक 1 हो, उसका भी 1, तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसका भी 1, इसका भी 1, मतलब सिमिलर है, ठीक है। मंत्री मंत्री, ठीक है, मंत्री के नीचे जो PA है वो बना नहीं सकता, वो मंत्री ही कर सकता है, सिंपल। जैसे आप हो रहा है सब जगह, मंत्री का पावर ज्यादा होता है उसके नीचे, उसके नीचे। चलो, ये तो हम पॉलिटिक्स का बात हो गया, वो हम नहीं पढ़ते। तो ये होता है, और उसमें हम लोगों को करना क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर में जाना होता है, और यहाँ में रोल मैनेजमेंट में क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन रहता है, आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या ऑप्शन आता है, मैंने यहाँ पे देखो, अब देखो एडमिन रोल यहाँ पे, अगर देखो ये गूगल से ही मैंने उठाया है, एडमिन रैंक फीचर्स, उसमें रोल और रोल बेस एडमिन क्या होता है, यहाँ पे एक पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, क्रिएट हाइपर, मैंने जो अभी बताया है आपको वही यहाँ पे बता के बोला है। देखो ये द एडमिन रैंक फ्रॉम 0 इज हायर, 7 इज लोअर, द हायर रैंक 0 बिलो टू सुपर एडमिन, बिलोंग टू सुपर एडमिन, और ईच एडिशनल रोल यू क्रिएट यू कैन असाइन एडमिन रैंक बिटवीन 1 हायर एंड 7 इज लोअर। तो आप किसी को भी अगर एडमिन दें तो 1 से शुरू कर लें, ठीक है, एक जैसा आप जिसको आप जैसा एक्सेस देना चाहते हो बेस्ड ऑफ, ठीक है। तो कैसे आप जाओगे, देखो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट एडमिन रैंक इज डिजेबल, ठीक है, तो आपको इसको एनेबल करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट एडमिन रैंक इज डिजेबल, यू मस्ट एनेबल एडमिन रैंक, कहाँ से जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर एडवांस सेटिंग्स। तो हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, देखो एडमिनिस्ट्रेटर एडवांस सेटिंग्स में यहाँ पे जाके एडमिन रैंक को एनेबल करना होता है। ठीक है, देखो एडमिन रैंक इनेबल है, यहाँ पे इनेबल कर दिया है, ठीक है, तो ये एडमिन रैंक इनेबल है। उसके बाद देखो लर्न मोड से अगर एडवांस सेटिंग्स के, उससे उसमें बहुत सारे कुछ होते हैं। तो रोल बेस एडमिन अगर आप जब क्रिएट करते हैं तो आपको ऐसा ऑप्शन होता है, रोल बेस एडमिन, तो एड एडमिनिस्ट्रेटर रोल, ये तीनों ऑप्शन आपके पास रहता है, एडमिन रोल, एड पार्टनर एडमिनिस्ट्रेटर रोल और एड PI रोल। ये दो पार्टनर अगर कोई होता है, ठीक है, कि भाई जिस कलर की साइज वो बेसिकली इसमें फोकस कर रहा है, ठीक है, बाकी दोनों मैंने कभी किया नहीं, डिटेल्स भी मुझे इतना पता नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं, देखो
ये फीचर्स होता है। अगर आप एड एडमिनिस्ट्रेटर रोल अगर क्रिएट करते हो तो उसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बड़ा करके रखा है, ये ज्यादा बड़ा कर रहा था, नीचे चला जा रहा है, ये मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो आपको एक नाम देना पड़ता है, जैसे मैं मेरा नाम टाइप कर दूंगा, सुशांत हो जो भी है। ठीक है, एनुअल परमिशन जो आया, तो यहाँ पर रैंक सिलेक्ट करना पड़ता है आपको। रैंक क्या देना पड़ता है, जैसे आपको देना है अगर सुपर एडमिन देना है उसको 1 देना है, थोड़ा नीचे लोअर मतलब ज्यादा कुछ उसके एक्सेस देने, तो आपको उसमें 4-5 जो भी आप दे सकना चाहते हैं। देखो अब उसके बाद क्या क्या ऑप्शन आता है आपको, और उसके हाँ लॉग लाइफ, वो कितने देर दिन का लॉग देख सकते हो उसका भी आप लिमिट दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 7 दिन वो लॉग देख पाएगा, 7 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का, तो उस बेस पे ये लॉग देख पाएंगे। यहाँ पे देखो डैशबोर्ड एक्सेस फुल दे रहे हो, यहाँ पे सारे सारे फुल है, तो आप इसको नॉन कर सकते हो। जैसे हम लोग पालो ऑल्टो में सेट करते हैं ना कि मॉनिटर देख सकता है, मॉनिटर नहीं देख सकता, ये सब XYZ, तो सेम ही है कंसेप्ट। आप उसको क्या क्या एक्सेस देना चाहते हो उसको एनेबल डिसेबल और या उसको लिमिटेड एक्सेस देना चाहते हो, उस बेस पे आपको अलाउ डिनाई करना होता है, दैट्स इट। यहाँ से मैं थोड़ा इसको नीचे आता हूँ, देखो क्या क्या है यूजर बेस। ठीक है, अब देखो एडवांस सेटिंग, फंक्शंस को कर पाएगा नहीं, स्पेसिफिक डीएलपी कर पाएगा कि नहीं, सिक्योरिटी पॉलिसी, एएसएसएल पॉलिसी बना पाएगा नहीं, कि ये सब इनेबल डिसेबल आपके पास ऑप्शन है, क्लिक टिक और क्रॉस कर दोगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद देखो एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल में क्या क्या दे सकते हो उसको। ठीक है, पॉलिसी और रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके लिए क्लाइंट प्रोसेस कंट्रोल, कस्टम यूआरएल कैटेगरी मैनेजमेंट, ओवरराइड एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, अगर कोई कैटेगरी है तो उसको ओवरराइड करेगा। कैटेगरी जैसे होता है ना हमारा हेल्थ, ये उसके बाद होता है कि एडुकेशन, जॉब, ये सब जो कैटेगरीज होते हैं उसमें यूआरएल रहते हैं उसका ओवरराइड, टैलेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट, एनएंट है ये। सो उसके बाद देखो ट्रैफिक, लोकपाल, वीपीएन, होस्टेड पैक फाइल, वो होस्टेड पैक फाइल मॉडिफाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है होस्टेड पैक फाइल का। पैक फाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने गलती से भी पैक फाइल पे उल्टा सीधा चेंजेस कर दिया तो ये पैक पूरा एनवायरनमेंट पे पड़ेगा। तो मेक श्योर पैक फाइल में चेंजेस करने के बाद आप 2 बार से श्योर हो जाइए। ये भी है जिस कलर क्लाइंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है, प्रॉक्सी एंड गेटर, ये सब आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑथेंटिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, यूजर मैनेजमेंट, आईडेंटिटी प्रॉक्सी, पीजीआई मैनेजमेंट, ये हो गया। उसके बाद आपको सेव करना होता है, सेव सेव करने के बाद ही काम खत्म नहीं होता है, सेव करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव, उसके बाद आपको जाना होता है यहाँ, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ये एक्टिवेट ऑप्शन एनेबल हो जाता है, तो आपको करना होता है एक्टिवेट। करिए, अगर एक्टिवेट कर देते हैं ये एक्टिवेट हो जाता है तब पॉलिसी काम करना शुरू करता है। तो यहाँ तक था एडमिन रैंक के, एडमिन रैंक का ज्यादा वीडियो नहीं है, और इसका लाइव प्रैक्टिकल आप करके टेस्ट करिए, कुछ प्रॉब्लम होता है तो बताना। ऐसे बेसिक कंसेप्ट है, आप एक यूजर को क्या परमिशन आपको देने वाले हो और क्या देना है, रैंक क्या होगा, हायर रैंक हायर प्रायोरिटी, लोअर रैंक लोअर प्रायोरिटी, सिंपल कंसेप्ट समझ लीजिए, यही है जीस क्लियर का। और इसके साथ अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो यहाँ पे देखो एक लिंक भी दिया हुआ है, मैं वो डिलीट कर गया है शायद, वहाँ पे एक लिंक लिखा रहता था, अगर और भी आपको पढ़ना है अबाउट टू लर्न मोर अबाउट एडवांस सेटिंग्स, यहाँ पे था। और एक जगह था वो जीस क्लियर का पोर्टल ही है, हाँ help.gsclear.com ऐसे करके कुछ है, वहाँ पे भी आप इसका डिटेल्स पढ़ सकते हो। देखो मैंने इससे स्क्रीनशॉट भी लिया था पहले, तो इसका पूरा इमेज यहाँ पे है, तो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये छोटा सा वीडियो था एडमिन रैंक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, चलिए खुश रहिए और हैप्पी दुर्गा पूजा सबको, जय हिंद।